नमस्कार, आरएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। देश में एक बार फिर से कोरोना का कहर जिस तरीके से बढ़ रहा है तो वो चिंताजनक है। आइए देखते हैं कोरोना वायरस की ताजा अपडेट। बंगाल में 5,82,381 के पार पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। 5,68,115 मरीजों को मिली राहत। अब तक 10,316 लोगों की कोरोना की वजह से मौत। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले 26,833 के पार। गुजरात में कोरोना वायरस का आंकड़ा 2,94,130 के पार। 2,73,280 मरीजों को मिली राहत। अब तक 4,436 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले 2,82,174 के पार। 2,63,587 मरीजों को मिली राहत। अब तक 3,901 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के मामले 6,52,742 के पार। 6,32,230 मरीजों को मिली राहत। अब तक 10,953 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना के मामले 3,27,890 के पार। 3,18,586 मरीजों को मिली राहत। 2,796 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले 6,10,273 के पार। 5,95,382 मरीजों को मिली राहत। 8,757 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के मामले 8,73,219 के पार। 8,46,250 मरीजों को मिली राहत। 12,599 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। आंध्र प्रदेश में कोरोना के मामले 8,95,879 के पार। 8,84,857 मरीजों को मिली राहत। 7,189 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। तेलंगाना में कोरोना वायरस के मामले 3,04,791 के पार। 2,98,645 मरीजों को मिली राहत। 1,654 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। पंजाब में कोरोना वायरस के मामले 2,22,936 के पार। 1,88,845 के पार मरीजों को मिली राहत। अब तक 6,099 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना वायरस के मामले 2,64,198 के पार। 2,60,737 मरीजों को मिली राहत। अब तक 1,556 लोगों की मौत। अरुणाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले 16,842 के पार। 16,785 मरीजों को मिली राहत। अब तक 56 लोगों की मौत। उड़ीसा में कोरोना वायरस के मामले 3,39,460 के पार। 3,36,124 मरीजों को मिली राहत। अब तक 1,971 लोगों की कोरोना की वजह से मौत।